आज हम बात कर रहे हैं ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। जैसे कि अभी आपने पूछा कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या सिर्फ बढ़ती उम्र के लोगों में ही होता है, मेरा ये मानना है कि ये एक मिथ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बढ़ती हुई उम्र के लोगों में ये होता है। ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादातर बढ़ती हुई उम्र के साथ होता है, बट यंग पेशेंट्स में भी आजकल काफ़ी देखा गया है। पहले ये मानते थे कि यह सिर्फ फीमेल्स का ही है या लेडीज़ में ही ऐसा होता है, ऐसा भी नहीं है। आजकल के जो मैन पॉपुलेशन में भी ऑस्टियोपोरोसिस काफ़ी कॉमन है। तो इसके जो सबसे कॉमन जो कारण है वो एक तो है मेनोपॉज के बाद, जो लेडीज़ में जब मेनोपॉज हो जाता है अराउंड 50 ईयर्स के बाद ऑस्टियोपोरोसिस का जो रेट है वो काफ़ी बढ़ जाता है। दूसरा, जब उम्र बढ़ती है 70 साल, 60 साल, 65 साल के बाद, तब काफ़ी ज़्यादा होता है। तीसरा, जो यंग पेशेंट्स में स्पेशली मैन में भी होता है, उसका सबसे कॉमन कारण ये पाया गया है कि जिनको हम स्टेरॉइड्स देते हैं या तो अस्थमा की वजह से या कोई स्किन की प्रॉब्लम है या कोई रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, तो जो एक्सेसिव यूजेज ऑफ स्टेरॉइड्स, सर्टेन अदर ड्रग्स लाइक एपिलेप्सी के लिए जो ड्रग्स यूज़ करते हैं या डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं उनमें जो दवाइयाँ यूज़ करते हैं, ऐसे केसेज में भी ऑस्टियोपोरोसिस काफ़ी ज़्यादा होती है। ऑस्टियोपोरोसिस को सबसे ज़्यादा जो कंफ्यूज करके देखते हैं वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक पेनफुल प्रॉब्लम है जो कि जोड़ों की इन्फ्लेमेशन की वजह से होती है। और दूसरी तरफ अगर ऑस्टियोपोरोसिस की बात करें, ऑस्टियो मतलब हड्डियाँ, पोरोसिस मतलब छलनी होना, वीक होना, तो हड्डियों की जो कमजोरी है उसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, जो कि कैल्शियम की शॉर्टेज से, विटामिन डी की कमी की वजह से होती है, इनएक्टिविटी की वजह से होती है। जितना आप कम एक्सरसाइज करेंगे, जितना कम वॉक करेंगे, जितना एंटी ग्रेविटी जो मसल्स हैं उनको एक्टिवेट करेंगे, उतना ही ज़्यादा ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ता है। ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि पेनफुल है ऑस्टियोआर्थराइटिस, पेनलेस बोन का वीक होना ऑस्टियोपोरोसिस, बट ऑस्टियोपोरोसिस भी दर्द कर सकती है जबकि हड्डियाँ टूट जाए। हड्डियाँ टूटना ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी हड्डी टूट जाए, हड्डियों के अंदर छोटे छोटे माइक्रो ट्रेबिकुलीज होते हैं, वो अगर छोटे छोटे फ्रैक्चर्स होते हैं उससे पेशेंट चल फिर तो सकता है लेकिन उसको हड्डियों में पेन होना शुरू होता है। सबसे जो कॉमन फ्रैक्चर्स, जो माइक्रो फ्रैक्चर्स देखने को मिलते हैं हड्डियों में, वो स्पाइन में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जो वीक होती हैं हड्डियाँ ऑस्टियोपोरोसिस में, वो स्पाइन की हड्डियाँ वीक होती हैं। फिर सबसे जो डेंजरस सिचुएशन होती है वो हिप के फ्रैक्चर्स अगर होते हैं, तो हिप के फ्रैक्चर्स में अनफॉर्चुनेटली अगर हो जाए ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से, तो उसमें पेशेंट का सर्वाइवल भी काफ़ी कम हो जाता है, डिसेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। तो ये जो दो कारण हैं, हड्डियों का टूटना और हड्डियों का वीक होना, दर्द करना, इसके वजह से हमें ऑस्टियोपोरोसिस को काफ़ी सीरियसली लेना चाहिए। इसका इलाज भी हमें एग्रेसिवली करना चाहिए। अगर हम इलाज की बात करें ऑस्टियोपोरोसिस को, तो कैसे करें? सबसे बड़ा इलाज मेरा ये मानना है कि उसको बचाव का है। ऑस्टियोपोरोसिस से कैसे बचा जाए, उसके लिए हमें हमेशा वॉक करना चाहिए, वेट बीरिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, अच्छा कैल्शियम या कैल्शियम से युक्त जो खाना है, मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट्स है, योगर्ट है, चीज़ है, ब्रोकली है, दालें हैं, कैल्शियम से रिच जो भी फूड आइटम्स है वो हमें रूटीन में यूज़ करना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है विटामिन डी का। विटामिन डी के बारे में मेरे से बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ओपीडी में पेशेंट्स भी पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे देश में इतनी ज़्यादा धूप है, इतनी सनलाइट है, फिर भी हमारा शरीर में विटामिन डी क्यों नहीं बनता है, क्यों इतनी शॉर्टेज रहती है? तो विटामिन डी के बारे में सबसे ज़रूरी समझना ये है कि कितनी भी धूप क्यों ना हो, बट उसका लैटिट्यूड कैसे है, आप कितनी देर अपने आप को एक्सपोज करते हैं, कितना आपने कवर किया हुआ है, आपकी स्किन का कलर कैसा है, स्किन में फैट कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट कितनी है, उन सब चीज़ों पे विटामिन डी का बनना निर्भर करता है। तो 90% तक पेशेंट्स में विटामिन डी की शॉर्टेज पाई गई है। बड़ा अलार्मिंग है, बड़ा शॉकिंग भी है कि इतने सारे लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी कैसे है। तो इससे कैसा बचा जाए? सबसे पहले विटामिन डी क्यों ज़रूरी है हड्डियों के लिए? विटामिन डी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपने कितना भी कैल्शियम क्यों ना खा लिया हो, अगर बॉडी में विटामिन डी नहीं होगा, पहली बात तो वो इंटेस्टाइन गट से एब्जॉर्ब नहीं होगा, अगर एब्जॉर्ब हो भी गया तो किडनीज उसको फटाफट यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देंगी। तो कैल्शियम आपका पूरा हो जाता है, विटामिन डी पूरा हो जाता है, आप अच्छे से एक्सरसाइज कर पाते हैं,
स्मोकिंग नहीं करते हैं, ज़्यादा अल्कोहलिज्म नहीं करते हैं, डायबिटिक नहीं है और कोई क्रॉनिक आपको प्रॉब्लम्स नहीं है या कोई दवाइयाँ नहीं लेते जिससे कि हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, तो आप ऑस्टियोपोरोसिस से आराम से बच सकते हैं। बचने के बाद आता है अगर किसी को प्रूवन ऑस्टियोपोरोसिस है तो उसको कैसे ठीक किया जाए। उसमें दो पार्ट हैं, एक तो ड्रग्स के द्वारा हम ठीक कर सकते हैं, दूसरा जो हड्डियाँ जो टूट गई हैं उसको ठीक करना होता है। तो आजकल काफ़ी अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं, मैं नाम उनका नहीं लेना चाहूँगा, बट बहुत सक्सेसफुल मेडिकेशंस है जिसकी वजह से हम ऑस्टियोपोरोसिस को सक्सेसफुली ट्रीट कर सकते हैं। और ऑब्वियसली एक बार अगर स्पाइन फ्रैक्चर हो गया या हड्डियाँ टूट गई किसी भी वजह से, तो उसमें भी बड़े बड़े अच्छे इम्प्लांट्स आ गए हैं, दूरबीन के द्वारा, छोटे छोटे इंसिजन के द्वारा हम बोन में सीमेंट के इंजेक्शंस लगाते हैं जिसको कि काइफोप्लास्टी बोलते हैं, उससे पेशेंट इमीडिएटली ठीक हो जाता है, अगले दिन चलने लग जाता है। तो मेरा एंड में मैसेज यही होगा, ऑस्टियोपोरोसिस ऐसा नहीं है कि सिर्फ बढ़ती उम्र की बीमारी है, यंग पेशेंट्स, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि बच्चों में भी ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में हमें नॉलेज देना चाहिए, क्योंकि जो हम बोन का जो बैंक जो होता है ना, जितना भी हम कैल्शियम बॉडी में इकट्ठा करते हैं वो सिर्फ 25 से 30 साल तक कर पाते हैं, उसके बाद कैल्शियम या हड्डियों की क्वालिटी, हड्डियों की स्ट्रेंथ मजबूत नहीं होती, उसके बाद उसको धीरे 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 करके कमज़ोर ही होना है। तो बच्चों में ये बात बताना बड़ा ज़रूरी है, उनके पास सिर्फ गोल्डन इनिशियल 20 ईयर्स हैं जिसमें आप हड्डी के बैंक को मजबूत कर सकते हैं। हड्डियों के बैंक को मजबूत करिए, कैल्शियम युक्त डाइट लीजिए, अच्छी एक्सरसाइज, वेट बेयरिंग एक्सरसाइज, वॉक करिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो वेरी मच।